देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चिन्मयानंद पर लगे यौन उत्पीड़न के मामलों में दिन व दिन एक नई परत खुलती जा रही है। ताजा खुलासे में पीड़िता का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न, शोषण और बलात्कार का दिल दहला देने वाला खुलासा किया। लड़की ने आरोप लगाया कि उसे सुबह 6 बजे चिन्मयानंद की मालिश के लिए जाना होता था। लड़की ने यह भी बताया कि कई बार तो मासिक धर्म या आंतरिक इन्फेक्शन का बहाना बनाने पर भी उसे नहीं छोड़ा जाता था। आपको बता दें कि भले ही चिन्मयानंद ने पीड़िता पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाकर उसे जेल पहुंचवा दिया हो, लेकिन असल में ब्लैकमेल की शुरुआत चिन्मयानंद ने ही की थी। साथ ही लड़की ने बताया कि चिन्मयानंद उसे बेटी कहकर बुलाता था। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि चिन्मयानंद की बात मानने से मना करने पर उसने मुझे थप्पड़ मारा और धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वहीं इस मामले में चिन्मयानंद और पीड़ित लड़की दोनों को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।